Hello everyone. Today in this video, we will do our next exercise, that is 1.4 of class 11, that is chapter set, chapter number 1. Okay, so last video ke andar humne union, intersection set aur Venn diagram kaise banta hai, complement set kis tarike se hota hai, wo sab cheeze humne last video mein samajh liye hai. तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी उसके लिए ये एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है. तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आई वुड रिकमेंड कि सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए. बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है वो, तो वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगी. आप उसके अंदर अपना बेसिक क्लियर कीजिए और फिर इस वीडियो को देखिए, देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं. तो चलिए सबसे पहले आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 12. तो चलिए पहले तो एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले एक छोटी चीज़ जो बच्चे भूल जाएंगे, उस वीडियो में मैंने समझाई थी कि अगर आपको कहीं पर भी बोला जाए ए एंड बी फाइंड आउट कीजिए, इसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है. और अगर आपको बोला जाए यूनियन फाइंड आउट करना और फाइंड आउट करना, यानी ए और बी बोला जाए तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, यूनियन फाइंड आउट करना है. ओके, ये होता है यूनियन का साइन, ये होता है इंटरसेक्शन का साइन. यूनियन मतलब क्या होता है, ए और बी के सारे एलिमेंट्स, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है सिर्फ ए और बी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स है सिर्फ वही लिखने हैं. ओके, तो देखिए पहले एग्जांपल 12 देखिए. ए के अंदर आपके ये एलिमेंट्स गिवन है, बी में आपके ये एलिमेंट्स गिवन है. आपको ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है. तो देखिए ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, तो ए यूनियन बी आपका हो जाएगा, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 12. तो ए यूनियन बी आपका हो जाएगा जो ए और बी के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर दो, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उन्हें आप एक बार लिखेंगे. तो ए के स्टार्ट देखना कीजिए, दैट इज 2, 4, 6, 8 हो गए आपके ए के एलिमेंट्स. अब देखिए बी में आपका 6 है जो कि हम एक बार लिख चुके हैं, और 8 है जो कि हम एक बार लिख चुके हैं. देन आप क्या लिखेंगे, 10 और 12 जो कि ए के अंदर नहीं थे. अब देखिए ए और बी के सारे एलिमेंट देखिए इस सेट के अंदर आ गए हैं, तो यह हो गया आपका ए यूनियन बी. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15 देखेंगे, तो आपको बोल रखा है कि यही ए और बी सेट से, और आपको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है. तो देखिए क्या करेंगे आप, तो टू फाइंड द ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या करेंगे, जो ए और बी के अंदर सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स हैं सिर्फ वही लिखेंगे. तो देखिए ए में भी 6 है, बी में भी 6 है, ए में भी 8 है, बी में भी 8 है, तो क्या हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी, 6, 8. अगर आपसे वेन डायग्राम बोला जाता है आप कैसे बनाते हैं, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था ना, तो ये रहा आपका ए सेट और इस तरीके से मैंने बनाया बी सेट. तो ए यूनियन बी क्या होता, तो ए यूनियन बी आपका ये पूरा पोर्शन शेड होता, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता, तो अगर ये है आपका ए सेट और ये है आपका एक बी सेट, तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर सिर्फ कॉमन पोर्शन यानी सिर्फ ये पोर्शन शेड होता. ओके, नेक्स्ट आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 13. एग्जाम्पल नंबर 13 में आपको शो करना है कि ए यूनियन बी आपका ए के इक्वल आना चाहिए. ये रहा ए सेट, ये रहा बी सेट. तो देखिए ए यूनियन बी फाइंड आउट कीजिए, यानी हम एल एच एस फाइंड आउट करते हैं. तो देखिए ए यूनियन बी आपको क्या मिलेगा, तो ए के अंदर है आपका ए ई आई ओ यू. अब बी के अंदर क्या है, ए जो कि हम लिख चुके, आई जो कि हम लिख चुके, यू जो कि हम लिख चुके, तीनों एलिमेंट्स हमने लिख लिए. तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, सिर्फ यही हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू क्या है, ए आ गया, which is equals to RHS. Then आपको इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है. तो देखिए A इंटरसेक्शन B में क्या आ जाएगा, B के एलिमेंट्स आ जाएंगे सारे, बिकॉज B छोटा सेट है, A इधर भी है, A इधर भी है, I इधर भी है, I इधर भी है, U B में भी है और U A में भी है. तो क्या हो गया, A I U, सिर्फ कॉमन एलिमेंट देखेंगे इंटरसेक्शन के टाइम पे. ओके, तो ये एग्जांपल आपको अच्छे समझ में आया. नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 14. तो एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या है, आपको ये एक्स सेट दे रखा है. तो एक्स सेट के अंदर राम, गीता और अकबर हैं जो कि क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं, जो कि किसके अंदर है, हॉकी टीम में है. और वाई के अंदर है आपका गीता, डेविड और अशोक, जो कि स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, जो कि किस टीम में, फुटबॉल टीम में है. तो एक्स यूनियन वाई फाइंड आउट करना है. तो एक्स यूनियन वाई के अंदर आप क्या हो जाएंगे, ये जो फुटबॉल टीम के बच्चे हैं और जो हॉकी टीम के बच्चे हैं, ये सारे बच्चों को आप कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज राम, गीता, अकबर. एंड देन आपके बी वाई सेट देखिए, तो वाई सेट है आपका गीता, तो गीता देखो दोनों में है, तो इसलिए हम गीता को दोबारा नहीं लिखेंगे.
देन आप लिखेंगे डेविड एंड देन अशोक। ओके, तो ये हो गया आपका एक्स यूनियन वाई। देन एग्जाम्पल 17 देखिए, आपको ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, आपको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है और शो करना है कि वो बी के इक्वल है। देखिए ए इंटरसेक्शन बी पहले फाइंड आउट कीजिए जो एलिमेंट्स आपके कॉमन है। तो देखिए बी में आपका 2 है, ए में भी 2 है, बी में 3 है, ए में भी 3 है, बी में 5 है, ए में भी 5 है, बी में 7 है, ए में भी 7 है। अब और कोई एलिमेंट है नहीं बी में, तो आपके कौन से एलिमेंट्स कॉमन होगा, 2, 3, 5 और 7, विच इज इक्वल्स टू बी, विच इज इक्वल्स टू आर एच एस, एंड हेंस प्रूफ। यही आपको प्रूफ करना था, देखा कितना इजी था, अगर आपको यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब पता है तो। एग्जांपल नंबर 18 देखिए बच्चों, एग्जांपल नंबर 18 में आपको ए माइनस बी और बी माइनस ए फाइंड आउट करना है। तो ए सेट भी गिवन है, बी सेट भी गिवन है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं ए माइनस बी। तो ए माइनस बी फाइंड आउट करने के लिए आपको ए के एलिमेंट्स में से बी के एलिमेंट्स को कट कर दो। तो अगर बी में 2 है तो कट कर दो, ए में है तो, बी में 4 है कट कर दो, बी में 6 है तो 6 को भी कट कर दो, और 8 तो आपका ए में है ही नहीं। तो देखिए ए में आपके कौन से एलिमेंट बच गए, दैट इज 1, 3 और 5, यही 3 एलिमेंट्स बचे, तो ये हो गया ए माइनस बी। ऐसे ही अगर आपसे बी माइनस ए बोला है, तो बी माइनस ए में देखिए आपको बी ए के एलिमेंट्स को बी में से कैंसिल करना है। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, ए में 1 है बी में नहीं है, ए में 2 है कट कर दो, ए में 3 है बी में नहीं है, ए में 4 है तो कट कर दो, देन 5 नहीं है 6 है, 6 कट कर दो, तो बी में कौन सा एलिमेंट बचा, सिर्फ 8 बचा। तो ये हो गया आपका बी माइनस ए। देखा कितना इजी था सॉल्व करना, ए माइनस बी और बी माइनस ए को फाइंड आउट करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 19 आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 19 आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। सेम है, वी और बी एलिमेंट दे रखे हैं और आपको वी और बी सेट गिवन, आपको वी माइनस बी और बी माइनस वी फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 1.4 देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, आपको इन सब सेट का क्या है, यूनियन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट आप देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन से आपको मिलेगा एक्स यूनियन वाई, तो क्या हो जाएगा ये, दैट इज 1, 3 और 1 से पहले क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बिकॉज वाई में 2 है और बी एक्स में 2 नहीं है, तो 1, 2, 3 और 5। तो ये हो गया आपका एक्स यूनियन वाई, बिकॉज जो देखिए कॉमन क्या है, 3 है और 1 है, तो इनको हम क्या करेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। ओके, देन देखिए सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट आपको वॉवल्स ए सेट आपको गिवन है ए ई आई ओ यू, और बी सेट आपको गिवन है ए बी सी, तो आपका क्या हो जाएगा ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी आपका हो जाएगा दैट इज ए बी सी और ई आई ओ यू, यानी ए और बी के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करें। थर्ड पार्ट देखिए बच्चों, आपको ए सेट क्या गिवन है, आपको ए सेट गिवन है दैट इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो आपको ए सेट क्या मिल जाएगा, नेचुरल नंबर होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, जो कि होगा 3, 6, 9, 12 और 15 एंड सो ऑन, बिकॉज अपर लिमिट तो दी नहीं तो चलती रहेगा। और बी सेट आपको क्या गिवन है, बी सेट आपको गिवन है नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो देखिए आपको ए यूनियन बी क्या मिलेगा, दिमाग लगाइए बच्चों, तो ए यूनियन बी आपको मिल जाएगा दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 के बाद क्या मिलेगा, 9 सीधा, और अब क्या चलेंगे आपके सारे मल्टीपल्स ऑफ 3, 9 के बाद 12 देन 15 एंड देन सो ऑन 18, 21, तो इस तरीके से आपके 3 के मल्टीपल्स चलेंगे। देन फोर्थ पार्ट देखिए बच्चों, फोर्थ पार्ट आपको गिवन है एक्स इज अ नेचुरल नंबर, तो ए सेट क्या है आपका, एक्स से आपका नेचुरल नंबर किस तरीके से, जो कि 1 और 6 तक का है, तो 1, 1 आपका इंक्लूड नहीं हो रहा, तो क्या हो जाएगा 2, 3, 4, 5 और 6। देन बी सेट देखिए आपको क्या गिवन है, दैट इज नेचुरल नंबर बट फ्रॉम वेयर टू वेयर 6 to 10, तो आ जाएगा 7, 8, 9 और 10, 9 बस 9 तक रहेगा, 10 आपका इंक्लूड है ही नहीं,
तो देखिए अब इसके अंदर आपको यूनियन फाइंड आउट करना है, तो ए यूनियन बी आपको क्या मिलेगा, तो ए यूनियन बी आपका हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9, बस 9 तक रहेगा, 10 तो आपका इंक्लूड है ही नहीं। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखिए, आपको ए गिवन है 1, 2, 3 और बी सेट आपको क्या गिवन है, एम्प्टी। तो ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था ना, तो देखिए फिफ्थ पार्ट में आपको दिखाता हूँ, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी दैट इज ए यूनियन फाई, यानी ए यूनियन एम्प्टी क्या होता है, ए यूनियन एम्प्टी होता है आपका ए। तो देखिए ए यूनियन बी और बी क्या है आपका एम्प्टी है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए सेट के इक्वल आ जाएगा। ए सेट आपका क्या गिवन है, 1, 2 और 3 का। ओके ये आपने प्रॉपर्टी लास्ट वीडियो मैंने आपको समझाई थी ये प्रॉपर्टी। ओके तो लास्ट ये हमने प्रॉपर्टी यूज करी है बिकॉज ए यूनियन एम्प्टी, यानी एम्प्टी में तो कुछ भी नहीं होता, तो आपको सेम ही तो सेट मिलेगा, तो वही ए यूनियन बी आपने करा तो आपको क्या मिला, 1, 2 एंड 3। ओके नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में आपको गिवन है ए सेट आपको गिवन है और बी सेट आपको गिवन है, तो क्या ए बी का सबसेट है, तो सबसेट का मतलब क्या होता है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में बिलोंग करने चाहिए, तो ए में ए है और बी में भी ए है, ए में बी है क्या, बी में भी बी है, यस है, तो ये क्या हो गया, तो यस। तो चलिए मैं इधर लिख देता हूँ दैट इज क्वेश्चन 2 का, तो यस ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो व्हाट इज ए यूनियन बी, अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं तो बी क्या हो गया, बड़ा सेट हो गया। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो बी बड़ा सेट हो गया, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, बी के इक्वल आ जाएगा ना, बिकॉज बी बड़ा सेट है, तो बी के अंदर कौन से एलिमेंट्स है, ए बी और सी, तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी। देन थर्ड पार्ट देखिए, ए और बी दो सेट है, किस तरीके से कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी। देखिए ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हम प्रॉपर्टीज में देख चुके हैं। ओके तो देखिए लास्ट वीडियो जरूर देखिए, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो देखिए क्वेश्चन 3 आपको वही कह रहा है घुमा के कि ए क्या है आपका, सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी यही तो होगा। तो देखिए अगर ए है बी का सबसेट, यानी बी आपका बड़ा सेट है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, तो ए यूनियन बी आपका बी हो जाएगा, जो कि मैंने आपको इधर भी समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखिए बच्चों, आपको ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, सी सेट गिवन है और डी सेट गिवन है, चार सेट गिवन है। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 4। तो ए यूनियन बी आपसे फाइंड आउट हो जाएगा, ये आप खुद फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली सेकेंड पार्ट ए यूनियन सी, ए और सी के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देंगे। देन थर्ड पार्ट बी यूनियन सी एंड फोर्थ पार्ट बी यूनियन डी। तो ये क्वेश्चन चार पार्ट आप खुद करेंगे, जो कि हमने यूनियन फाइंड आउट कर लिया है। देन हम करेंगे दैट इज फिफ्थ पार्ट से। तो फिफ्थ पार्ट हमें गिवन है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले बी यूनियन सी फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, बी यूनियन सी क्या मिलेगा, तो बी यूनियन सी आपको मिलेगा दैट इज 3, 4, 5, 6, 7 और 8। सिर्फ क्या देखिए, बी और सी सेट देखिए। देन अब हम क्या करना है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी तो आपको मिल गया है, तो ए यूनियन यानी ए के सेट को इस बी यूनियन सी से कंबाइन कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 1, 2, 3, 4। अब देखिए अब बी यूनियन सी ये आया था, क्या हो जाएगा 5, 6, 7 और 8। तो इस तरीके से आप करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। सिमिलरली आप देखिए सिक्स पार्ट, तो सिक्स पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं और जो सेवन पार्ट है दैट इज फॉर योर होमवर्क। तो देखिए मैं आपको सिक्स पार्ट सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो आपको गिवन है ए यूनियन बी यूनियन डी, बी यूनियन डी। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले बी यूनियन डी फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए आपको बी यूनियन डी क्या मिलेगा, तो बी यूनियन डी आपको मिलेगा दैट इज, अब बी और डी सेट देखिए, आपको मिलेगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यही मिलेगा। और ए सेट आपको क्या गिवन है, ए सेट आपको गिवन है दैट इज 1, 2, 3 और 4। तो ए यूनियन बी यूनियन डी क्या मिल जाएगा आपको, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो इस तरीके से आपको ये मिलेगा। देखिए वेन डायग्राम तो हमने बनाना सीख रखे हैं, अभी इस एक्सरसाइज में तो ज़्यादा यूज़ आपका है नहीं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उधर आपको वेन डायग्राम से आपको बहुत ही आसानी होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपको इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ऑफ पेयर बताना है, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है आपको सेट्स। तो देखिए यही थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 में आपके सेट। देखिए एक्स और वाई के एलिमेंट्स आप देख सकते हैं, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि आपको कॉमन, तो देखिए एक्स और वाई में क्या कॉमन एलिमेंट दिख रहे हैं, एक्स और वाई में हमें सिर्फ 1 और 3 कॉमन दिख रहा है, तो ये हो गया एक्स इंटरसेक्शन वाई। देन आप देखिए ए और बी, ये इधर से आप देखेंगे तो आपको ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा, तो ए इंटरसेक्शन बी आपको मिलेगा, दैट इज क्या कॉमन है, सिर्फ ए कॉमन है। ओके तो ए इंटरसेक्शन बी क्या मिला आपको, ए। देन थर्ड पार्ट देखिए, तो थर्ड पार्ट में आपको ए सेट क्या गिवन है, मल्टीपल ऑफ 3, तो कौन सा था हमारा, 3, 6, 9 एंड देन 12 एंड देन 15 एंड सो ऑन। एंड ऐसे ही बी सेट देखिए, बी सेट आपको क्या गिवन था, नेचुरल नंबर बट लेस देन 6, तो कौन से हो गए, 1, 2, 3, 4 एंड 5, यही आपको गिवन था। तो देखिए इसके अंदर आपको फाइंड आउट करना है दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी में जो कॉमन है, क्या कॉमन है, दैट इज 3 और 6, बी इज नेचुरल नंबर लेस देन 6 है ना, इसमें आप 6 भी इंक्लूड करेंगे तो 3 और 6 आपका हो जाएगा कॉमन। अगर आप इधर 6 इंक्लूड नहीं करते तो क्या आपका कॉमन रहता, सिर्फ 3 कॉमन रहता। ओके लेकिन इधर नेचुरल नंबर लेस देन 6 है तो इधर भी आप 6 इंक्लूड करेंगे तो 6 भी आपका कॉमन हो जाएगा। देन फोर्थ पार्ट देखिए, ए सेट आपको गिवन है नेचुरल नंबर जो कि कहाँ से कहाँ तक के 1 से ग्रेटर है बट लेस देन इक्वल टू 6 है, ए सेट आपको मिल गया 2, 3, 4, 5 और 6। अब बी सेट आपको क्या मिला, जो कि 6 से बड़े बट 10 से छोटे हैं, तो वो आपके क्या हो गए, 7, 8 और 9, यही मिले। तो इन दोनों में देखिए क्या कोई कॉमन सेट मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या मिल जाएगा आपको, एम्प्टी, यानी कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी खाली सेट मिलेगा। देन फिफ्थ पार्ट देखेंगे बच्चों, आपको गिवन है ए सेट 1, 2, 3 और बी आपको एम्प्टी गिवन है, क्या गिवन है, एम्प्टी। देखिए हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है ए इंटरसेक्शन एम्प्टी, इस सेट में तो एलिमेंट और एम्प्टी में कुछ भी नहीं है, तो कॉमन क्या मिलेगा, कुछ भी तो नहीं मिलेगा, तो ये हो गया है आपका एम्प्टी। देखिए हम क्या कर रहे थे फिफ्थ पार्ट, तो फिफ्थ पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी, और बी तो आपका एम्प्टी है, तो आपको क्या मिलेगा, एम्प्टी ही मिलेगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ में आया होगा। सिक्स क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपको ए बी सी डी सेट गिवन है, आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, तो ये दोनों पार्ट आप क्या करेंगे, अपने होमवर्क में खुद ट्राई करेंगे। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन डी फाइंड आउट करेंगे, और ए इंटरसेक्शन डी भी आप खुद फाइंड आउट करेंगे, तो ये पार्ट आप खुद होमवर्क में ट्राई करेंगे। हम देखेंगे सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये पार्ट, दैट इज थर्ड पार्ट देखेंगे सही बच्चे, तो थर्ड पार्ट हमें गिवन है दैट इज ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यही आपको गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट कीजिए, ये ब्रैकेट लगा दीजिए, सी इंटरसेक्शन डी फाइंड आउट कीजिए, तो सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट करा, सी इंटरसेक्शन डी, तो सी इंटरसेक्शन डी यानी सी और डी सेट। देखिए बच्चों ये रहा सी सेट और ये रहा डी सेट, आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है आपको, सिर्फ 15, सिर्फ 15 जो है वो आपका कॉमन मिल रहा है, और ए सेट आपको ये गिवन है जिसमें कौन सा एलिमेंट है, 3, 5, 7, 9, 11। तो देखिए आपको फाइंड करना था ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो सी इंटरसेक्शन डी में तो सिर्फ 15 एक एलिमेंट मिल रहा है, और ए का कोई एलिमेंट है, ए के अंदर 15 है, नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी के मिला आपको एम्प्टी मिला, यानी कुछ भी इन तीनों में कॉमन तो है ही नहीं। ओके देन नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमें गिवन है सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। देखिए बच्चों सिक्स पार्ट करने से पहले बी यूनियन सी फाइंड आउट कीजिए, देखिए बी यूनियन सी क्या है, बी यूनियन सी आपका हो जाएगा बी और
सी सेट देखेंगे सभी बच्चे, तो ये मैं थोड़ा रिमूव कर देता ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो देखिए बी और सी के सी यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिलेगा 7, 9, 11, 13 एंड 15, यही मिलेगा। और आपको ए सेट क्या गिवन है, ए सेट आपको गिवन है दैट इज 3, 5, 7, 9 एंड 11। तो आपको फाइंड आउट करना है दैट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो आपने दोनों सेट लिख लिए, ये रहा ए और ये रहा बी यूनियन सी। तो इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में हमें एक तो 9 कॉमन मिल रहा है, 7 कॉमन मिल रहा है और 11 कॉमन मिल रहा है। तो क्या मिल गया हमें कॉमन, 7, 9 एंड 11। तो इस तरीके से आपने ये फाइंड आउट करा। नेक्स्ट आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ये हो जाएगा सबसे पहले बी यूनियन डी फाइंड आउट कीजिए आप, उसके बाद देखिए क्या कॉमन मिल रहा है आपको ए सेट से। नेक्स्ट मैं आपको कराता हूँ दैट इज नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ पार्ट देखते हैं बच्चों, तो नाइन्थ पार्ट करने से पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको क्या मिलेगा, ए और बी सेट में आपको क्या कॉमन मिल रहा है, तो ए और बी सेट के अंदर एक तो हमें 7 मिल रहा है, 9 मिल रहा है और 11 मिल रहा है, यही मिल रहा है। तो क्या मिला, 7, 9 एंड 11। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे बी यूनियन सी पहले, तो बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी आपको क्या मिल जाएगा, 7, 9, 11, 13 और 15, यही मिलेगा। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है दैट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, यूनियन नहीं सॉरी, आपको इधर क्या गिवन है, इंटरसेक्शन। तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन एंड देन बी यूनियन सी, यही फाइंड आउट करना है। तो ये रहा ए इंटरसेक्शन बी और ये रहा बी यूनियन सी। तो इंटरसेक्शन कॉमन देखेंगे क्या मिलेगा, 7, 9, 11, क्या मिला, 7, 9 और 11। तो यही आपको मिलेगा, और कुछ मिल रहा है आपको, और कुछ हमें नहीं मिल रहा। तो ये हो गया आपका 7, 9 और 11। आई होप आपको ये वाला पार्ट अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए टेंथ पार्ट, तो टेंथ पार्ट सॉल्व करने से पहले ए यूनियन डी फाइंड आउट कीजिए। तो ए यूनियन डी क्या मिलेगा आपको, ए और डी के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर दो तो क्या मिलेगा, 3, 5, 7, 9, 11, 15 एंड 17। देन हम फाइंड आउट करेंगे बी यूनियन सी, बी यूनियन सी हमने ये फाइंड आउट कर रखा है। तो आपको फाइंड करना है इंटरसेक्शन, तो हमें फाइंड करना है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन दैट इज बी यूनियन सी। देखिए इन दोनों सेट में क्या कॉमन मिल रहा है आपको, अगेन 7, 9 और 11 ही कॉमन मिल रहा है और साथ में आपको 15 भी कॉमन मिल रहा है। तो आपका सेट बन जाएगा 7, 9, 11 एंड 15, सिर्फ इतना ही सेट आपको कॉमन मिल रहा है, यही एलिमेंट्स आपको कॉमन मिल रहे हैं। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, बाकी सारे पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे। तो ए पार्ट आपको गिवन है दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ए सेट आपको क्या मिल जाएगा, अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है तो वो तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ऐसे ही चलते रहेगा, बिकॉज अपर लिमिट तो दी नहीं है तो डॉट 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 लगा देंगे। बी सेट आपको क्या गिवन है, बी सेट आपको गिवन है इवन नेचुरल नंबर्स, तो इवन नेचुरल नंबर्स में आपको क्या मिल जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते रहेगा। देन सी सेट आपको गिवन है ऑड नेचुरल नंबर्स, तो ऑड नेचुरल नंबर्स आपको क्या हो गया, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15 एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलेगा आपका ऑड नेचुरल नंबर्स। और डी आपको गिवन है प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर का सेट क्या होगा, तो प्राइम नंबर का सेट आपका हो जाएगा 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, इस तरीके से आपका चलेगा, दैट इज 11 आ जाएगा इसके बाद, और इस तरीके से आपका ये प्राइम नंबर का सेट चलते रहेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी सेट देखिए क्या कॉमन मिलेगा आपको, अगेन सेट क्या मिल जाएगा आपको, सेट मिल जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी किसका सेट मिलेगा, ये आपको मिलेगा दैट इज
इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स का मिलेगा। देन ए इंटरसेक्शन सी देखिए, ए और सी सेट देखिए, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेंगे ऑड नेचुरल नंबर्स मिल जाएंगे। देन ए इंटरसेक्शन डी देखेंगे, तो ए इंटरसेक्शन डी में ए और डी को कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्राइम नंबर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, प्राइम नंबर्स मिलेंगे। देन आप क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी देखिए, बी आपका सेट ऑफ नेचुरल इवन नेचुरल नंबर्स और सी आपका ऑड नेचुरल नंबर्स, तो बी इंटरसेक्शन सी आपको मिलेगा एम्प्टी। देन बी इंटरसेक्शन डी देखिए, तो बी और डी में आपको क्या कॉमन मिल रहा है, बी और डी में आपको सिर्फ टू ही कॉमन मिलेगा। क्या कॉमन मिलेगा, सिर्फ टू ही कॉमन मिलेगा, बाकी और कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। देन सी इंटरसेक्शन डी देखिए, तो सी इंटरसेक्शन डी में आपको क्या मिलेगा, किस टाइप के नंबर्स मिलेंगे, तो सी देखिए, सी है आपका ऑड नेचुरल नंबर्स और डी है आपका प्राइम नंबर्स। तो देखिए आप इसके अंदर जब कॉमन फाइंड आउट करेंगे तो आपको कुछ एलिमेंट्स कौन कौन से दिख रहे हैं, थ्री दिख रहा है, फाइव दिख रहा है, सेवन दिख रहा है, तो ऐसे ही आप करेंगे तो नाइन नहीं मिलेगा, आपको सीधा इलेवन मिलेगा और इसी तरीके से मिलेगा। तो किस टाइप के नंबर्स मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे ऑड प्राइम नंबर्स, ऑड प्राइम नंबर्स, इस तरीके से आपको ये सेट मिलेगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से क्लियर होगा। इंटरसेक्शन और यूनियन हम बहुत बार अच्छे से कर चुके हैं, लास्ट वीडियो में हमने अच्छे से समझ लिया है और इधर हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपको बताना है इनमें से कौन सा सेट है जो डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट आपको ये मतलब पता है ना, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं। डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, कॉमन नहीं होता इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी, यानी कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो ये होता है आपका डिसजॉइंट सेट। तो ए और बी आपके कैसे हो जाएंगे, इधर डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। तो देखिए एक सेट आपको दे रखा है, फर्स्ट पार्ट देखिए 1 2 3 4, और सेकंड पार्ट आपको दे रखा है, दैट इज सेकंड सेट आपको दे रखा है नेचुरल नंबर्स, किस तरीके से, जो कि 4 से बड़े हैं और 6 से छोटे हैं, जिसमें आपके एलिमेंट्स आ जाएंगे 4 5 6। तो देखिए इसके अंदर आपको कुछ कॉमन मिल रहा है, मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो therefore this is false, this is not a disjoint set। then second part देखिए आपको a given है a e i o u और second part second set आपको given है c d e f, तो इसमें आपको कोई set common मिल रहा है, कोई element common मिल रहा है, मिल रहा है, कौन सा e, e आपको common मिल रहा है दोनों set में, तो therefore this is also false, this is not a disjoint set। then थर्ड पार्ट देखिए, सेट ऑफ इवन इंटीजर और सेकंड सेट आपको गिवन है सेट ऑफ ऑड इंटीजर, तो इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर में कुछ कॉमन मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इसके अंदर इंटरसेक्शन क्या मिल जाएगा, एम्प्टी मिल जाएगा, तो देयरफॉर दिस इज अ डिसजॉइंट सेट। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसके अंदर हमने इस टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, तो आपको ए बी सी डी सेट गिवन है, ओके तो आपको फर्स्ट पार्ट, अब हम इसमें से कौन से करते हैं, तो चलिए फर्स्ट करेंगे हम, देन सिक्स्थ करेंगे, देन नाइन्थ करेंगे एंड देन एट्थ करेंगे, तो ये हम चार पार्ट्स करेंगे, बाकी पार्ट्स आप खुद सॉल्व करेंगे। देखिए ए माइनस बी देखिए बच्चों, तो ए माइनस बी आपको क्या मिलेगा, ए के एलिमेंट्स में से बी को एलिमेंट्स, बी के एलिमेंट्स को हम कट करेंगे, तो बी में 4 है तो ए में 4 नहीं है, क्या इधर 8 है, इधर ए में आपका 8 नहीं है, देन बी में 12 है, ये 12 को कट कर दो, सी में देखो, बी में देखो 16, तो ए में 16 है नहीं है, बी में 20 है तो क्या ए में 20 है नहीं है, तो यानी ए में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे बट एक्सेप्ट 12, यानी 12 को छोड़ दो, बाकी सारे एलिमेंट्स आपके ए माइनस बी में इंक्लूड होंगे, तो ये हो गया ए माइनस बी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं डी माइनस ए, तो हमने रेंडमली सेलेक्ट करा है ना, तो देखिए अब ए के एलिमेंट्स को हम डी के एलिमेंट्स में से माइनस करेंगे, तो देखिए ए के अंदर 3 है, ओके डी में 3 नहीं है, देन 6 डी में 6 नहीं है, देन 9 डी में 9 नहीं है, तो आप देखेंगे आपको 15 मिलेगा, तो आप 15 कट कर देंगे एंड देन जो जितने एलिमेंट्स बचे डी में तो वो सारे लिख देंगे, तो कौन से बचे, 5 10 और 20, तो ये हो गया आपका डी माइनस ए। देन हम देखते हैं एट्थ पार्ट, तो एट्थ पार्ट आपको क्या गिवन है, दैट इज बी माइनस डी, तो बी माइनस डी में क्या करेंगे, बी के एलिमेंट्स को प्रायोरिटी पे रखेंगे और डी के एलिमेंट्स को उसमें से माइनस कर देंगे,
तो देखिए डी में 5 है, बी में 5 नहीं है, डी में 10 है, बी में 10 नहीं है, डी में 15 है, बी में 15 नहीं है, डी में 20 है, बी में भी 20 है, तो ये 20 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बी के अब में कौन से एलिमेंट्स बचे मेरे, 4, 8, देन 12 एंड देन 16, इस तरीके से बचेंगे। एंड देन हम देखते हैं सी माइनस डी, जो कि हमें कौन सा गिवन है, नाइन्थ पार्ट, तो सी माइनस डी। तो देखिए सी माइनस डी, देखिए बच्चों तो कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है सी माइनस डी में, तो डी में आपका 5 है, सी में आपका 5 नहीं है, डी में आपका 10 है, तो ये 10 कैंसिल हो गया, देन आपका 15 है, 15 नहीं है, 20 है, 20 सी में नहीं है, तो कौन से एलिमेंट्स आ गए, 10 के अलावा सारे एलिमेंट्स आ गए आपके, 2, 4, 6, 8, 12, 14 एंड 16, ये हो गया आपका सी माइनस डी। हाँ अगर आप देखिए, अगर सी के अंदर पहले से ही 10 नहीं होता, सी में 10 नहीं होता और डी में 10 होता, डी आपका यही एलिमेंट रहता, तो सी में से एक भी कैंसिल नहीं हो रहा होता ना, तो देखिए तब भी आपका क्या आता, सी माइनस डी सेम यही एलिमेंट आता। जरूरी नहीं कि कुछ एलिमेंट कटेगा ही, जरूरी नहीं भी कट सकता, तो इसका मतलब क्या है, आपका जो सी एलिमेंट है वही एज इट इज इधर लिखा जाता। चलिए जल्दी से वो एक्सरसाइज कंप्लीट कर दें, दैट इज विद द क्वेश्चन नंबर 10, देखिए 11 और 12। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपको ए सेट गिवन है और एक्स सेट गिवन है और वाई सेट गिवन है, तो एक्स माइनस वाई फाइंड आउट हो जाएगा, वाई माइनस एक्स भी फाइंड आउट हो जाएगा, और एक्स इंटरसेक्शन वाई भी आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब आप इतना तो कर चुके हैं, देन 11th क्वेश्चन देखिए, आपको एक रिलेशन दे रखा है, किस तरीके से इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड क्यू आपको दे रखा है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। दो आपको सेट गिवन है, पहला सेट है रियल नंबर्स का और दूसरा सेट है रैशनल नंबर्स का। तो आर माइनस क्यू यानी रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर्स माइनस कर दो तो क्या मिलेगा आपको, तो आपको आर माइनस क्यू मिल जाएगा। रियल नंबर में आपके कौन कौन से नंबर आते हैं, रैशनल भी आते हैं, इरैशनल भी आते हैं, तो रियल नंबर में से रैशनल माइनस कर दो तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा दैट इज सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स। रैशनल को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इरैशनल नंबर्स का सेट मिलेगा। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। ओके नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ट्रू फॉल्स बताना है, तो ए में आपका ये सेट गिवन और बी में ये सेट गिवन है। तो देखिए ए और बी सेट में ये क्या आपके डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी आना चाहिए, लेकिन इधर तो आपका 3 कॉमन है, तो ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, ये दोनों सेट डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट में आपका कॉमन नहीं आना चाहिए, लेकिन हमें तो कॉमन मिल गया, देयरफॉर ये भी फॉल्स है। क्या थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या आपका डिसजॉइंट सेट है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, तो आपको कुछ भी कॉमन दिख रहा है, तो ए सेट में आपके 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो देयरफॉर दिस इज डिसजॉइंट। देन फोर्थ पार्ट देखिए, कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा दोनों सेट में, देयरफॉर फोर्थ पार्ट इज ऑल्सो डिसजॉइंट सेट। तो दिस इज द कम्प्लीशन ऑफ योर एक्सरसाइज, आई होप आपको क्वेश्चन करने मजा आया होगा, एंड आई वुड सजेस्ट आप लास्ट वीडियो जरूर देखिए, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है, आप उधर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और अगर वीडियो में आपको मजा आया, आपको समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।